गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। और सुबह का 8 बज चुके हैं। ग्लोबल अपडेट आपको आपके सामने। और यहाँ पे अमेरिकी बाजार के अंदर गिरावट दिखाई दे रही है। नासडाक के अंदर देख सकते कंटिन्यू, कल भी गिरावट थी, आज भी 1% से ज़्यादा की गिरावट। S&P के अंदर भी 0.5% के से ज़्यादा की गिरावट। डाउ जोन्स के अंदर देख सकते हैं 51 अंकों की गिरावट फिलहाल दिखाई दे रही है क्लोजिंग बेसिस पे। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट के अंदर मिला जुला कारोबार। FTSE के अंदर 23 अंकों का उछाल, के अंदर 25 अंकों का गिरावट, और डेक्स के अंदर 85 पॉइंट्स की गिरावट। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आपको शुरुआती आज जो ओपनिंग है हल्की सी गैप डाउन देखने को मिल सकती है। 26 पॉइंट के लगभग की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही निकाई के बाजार की बात करें तो जो कि क्लोज हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज हो चुका है और 100 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। स्ट्रेस टाइम्स के अभी लाइव चल रहा है तो 7 अंक की गिरावट दिखाई दे रही है। हैंगसेंग लाइव चल रहा है तो 7 अंक की गिरावट दिखाई दे रही है। ताइवान लाइव चल रहा है तो 23 अंक की गिरावट दिखाई दे रही है। इसी के साथ संघाई की और जकार्ता देख सकते हैं ये फ्लैट फ्लैट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों मिला जुला कारोबार आज भी ट्रेडिंग सेशन में है, लेकिन अमेरिकी बाजार को मार्केट ज़्यादा फॉलो करता है। उसके बेस पे चले तो मार्केट के अंदर सुबह ही गिरावट का रुझान है और 26-27 पॉइंट की गैप डाउन के साथ शुरुआत मार्केट कर सकता है। अगर होल्ड करता है मार्केट तो मार्केट अपसाइड में जाने के चांसेस रहेंगे। अगर इसी के साथ सेलिंग प्रेशर आता है तो कल मॉर्निंग में सुबह सुबह सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। देखते हैं मार्केट में होता क्या है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।